मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव। सर, आज राहुल गांधी ने आधिकारिक तौर पर ट्विटर पर अपने इस्तीफे की घोषणा दी है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? वो तो काफ़ी दिन हो गए उनको, और मैं समझता हूँ कि एक व्यक्ति के इस्तीफा दे, और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी ने जो देश भर में पार्टी की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, उसके तौर पर उनने एक नैतिकता के तौर पे जो है इस्तीफा दिया है, तो उनकी अकेले की जिम्मेवारी थोड़ी ना है। और हम लोग जब मिले थे तब भी हमने उनसे यही कहा था कि आप जो है जिस आधार पे आप इस्तीफा दे रहे हैं, तो उसको अकेले उनकी जिम्मेवारी नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है, उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी नैतिकता के आधार पर, जिस तरह उन्होंने इस्तीफा दिया है, बाकी लोग भी अपना इस्तीफा देने चाहिए उनको। और एक नए रूप से रिस्ट्रक्चरिंग हो, तो ये कहना है। अगर अगर अब हरियाणा कांग्रेस की बात की जाए, राहुल गांधी जिस तरीके से अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं अब काम करूंगा कांग्रेस के नेता के तौर पर, अब राहुल गांधी से बड़ा चेहरा आप किस तरीके से देख रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए, और क्या वो बड़ा चेहरा तमाम कांग्रेस को जो बड़े नेता हैं उनको मान्य होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी और गांधी परिवार का जो वर्चस्व रहा है अभी तक कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद पर रहा है, तो अब किस तरीके से एक बदलाव कांग्रेस में होता हुआ आप देख रहे हैं? नहीं, अध्यक्ष बदलने के बावजूद भी जो कांग्रेस है आज भी जो है, नेता तो राहुल गांधी जी को, सोनिया जी को ही मानते। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।